हमने लास्ट टाइम आपको अफबाव प्रिंसिपल की में जो एनर्जी लेवल्स का चार्ट है क्रॉस, उसका हवाला देकर कहा था कि ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या कहिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बेस है, इसी से वो टेबल बनेगा। तो आइए आज वहीं से अपनी बात को कनेक्ट करते हैं। ये था आपका अफबाव प्रिंसिपल के हिसाब से तमाम एनर्जी लेवल्स का चार्ट। तो और मैंने आपसे कहा था कि मेक श्योर, अव्वल तो मुझे पहले ही यकीन है कि हर बच्चे को ये बनाना आता है, नहीं तो मैंने कल कह दिया था कि कम से कम आज हम ये काम जबानी कर सकें। हम इसमें SPDF सब शेल सिर्फ शो कर रहे हैं अब, ये उन सब शेल्स को शो नहीं कर रहे हैं जो होते हैं, मगर उनमें चूंकि इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा रहा है तो इसलिए उसे वो फंक्शनल नहीं है, तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं। तो ये था, और फिर इसमें हमने आपको कहा कि अगर आप ऐसे क्रॉस लाइन करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो ऑर्डर मिल जाएगा जिस ऑर्डर में सब शेल्स फिलअप किए जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहाँ दो बातें समझनी है। नंबर वन, ये सब शेल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर कैसे? ऐसे कि अगर मैं अब आपके सामने जो ये 1s लिखा हुआ है, ठीक है ये सब शेल है, लेकिन अब पीरियोडिक टेबल चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे बनाया जाना है, तो अब आप यूं समझेंगे कि व्हेन आई राइट 1s इट मींस वो दो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s पर खत्म होती है, एक 1s1 और एक 1s2। तो इसी तरह जब मैं आपके सामने लिखूं 2p, तो आप इस 2p से मुराद लेंगे वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 2p पर खत्म होती है। एंड देयर आर सिक्स पॉसिबिलिटीज, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p1 पर खत्म होती होगी, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी 2p2 पर खत्म होती होगी, तो कोई ना कोई 2p3, कोई ना कोई 2p4, 2p5, 2p6। तो ये जहन में पहली बात रखनी है। दूसरी बात ये रखनी है कि हम पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली ये जो इस वक्त चीज बनी हुई है, मैंने दावा किया था यही है टेबल। तो अब यही है टेबल को हम थोड़ा सा और इलैबोरेट इस तरह करेंगे कि ऐसा करते हैं ये ऑर्डर क्रॉस है, टेढ़ा है। अगर मैं इसी को सीधा करके बना दूं तो ये पीरियोडिक टेबल का नक्शा बन जाएगा। ये हमारा क्लेम है, दावा है। तो लेट अस चेक, चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करूं? ऐसे चेक करूं कि मैं आपके सामने ये जो ऑर्डर है जिसे रेड लाइनिंग से हमने दिखाया है, इसे सीधा बनाता, सीधा मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अंदाज से। तो कैसे बन रहा है देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू अफबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है। तो जवाब है 1s में जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1s, ये हो गया 1s। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है, ये ऑर्डर आपके सामने भी है और वैसे भी आपके जहन में भी है, वो 2s है। अच्छा, अब चूंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये SPDF एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1s का मतलब है वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s पर ख़त्म होती है, तो 2s का मतलब वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 2s पर ख़त्म होती है। और ये हम तय कर चुके कि वो सारे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s पर ख़त्म होती है, इधर s1 और s2, हम उन्हें एक साथ रखेंगे। वो सारे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन p पर ख़त्म होती है, उनको एक साथ रखेंगे। इसी तरह SPDF ब्लॉक बनेंगे ना। तो अब जब मैं आपके सामने ऑर्डर में एलिमेंट्स के सब शेल रख रहा हूँ, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि S जितने भी आएंगे वो सब एक कॉलम में आएंगे, P सारे एक कॉलम में, D सारे एक कॉलम में, F सारे एक कॉलम में। तो अब 1s के नीचे आ गया 2s, क्योंकि ये भी ऐसे है ये भी ऐसे, तो एक ही कॉलम में। पहली लाइन 1s, दूसरी लाइन 2s। 2s के बाद किसकी बारी है? 2p की बारी है। मैं यहाँ भी साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूँ, पहला 1s, दूसरा 2s और अब है तीसरा 2p। तो 2p सेकेंड लाइन में आएगा। आप देखिए ये जो 1 2 3 4 है ये मेरी लाइंस हैं, ठीक है। तो 1s फर्स्ट लाइन में आया, तो अब 2s 2p सेकेंड लाइन में आएंगे। तो 2s पहले आ गया, 2p बाद में आएगा।
तो मैंने टूपी आपके सामने ऐसे लिख दिया, ठीक है। टूपी के बाद किसकी बारी है, यहाँ देख लेते हैं 3S की। तो अब 3S की दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो ये तीसरी लाइन में होगा 3S है और S के कॉलम में होगा, तो ये हो गया 3S। 3S के बाद किसकी बारी है, 3P की। 3P भी थर्ड लाइन में होगा और P के नीचे होगा। तो अब आपको खास तौर पर नजर आ रहा है मैं लाइंस का ख्याल कर रहा हूँ, जिनका कोफिशियंट 1 है वो फर्स्ट लाइन में है, जिनका कोफिशियंट 2 है वो सेकेंड लाइन में है, जिनका कोफिशियंट 3 है वो थर्ड लाइन में है, एस वाले एक कॉलम में, पी वाले एक कॉलम में। अब 3P के बाद किसकी बारी नजर आ रही है आपको यहाँ पर, 4S की। तो अब मैं 4S कहाँ लिखूंगा, फोर्थ लाइन में और S के कॉलम में, ये लिख दिया। अब असल बात आ रही है, 4S के बाद किसकी बारी है, 3D की। तो आपको, आप कहेंगे सर इस 3D को तो 3 की लाइन में लिखना चाहिए, बस यहाँ से गड़बड़ शुरू हो गई। अब चूंकि फोर्थ लाइन शुरू हो गई है तो 3D फोर्थ लाइन में ही आएगा, 4S के बाद आना है उसे और 4P से पहले आना है। 4P की तो पोजीशन में आपको और मुझे कोई झगड़ा नहीं है, 4P यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल, 4S और 4P के बीच में होना चाहिए 3D। तो अब बावजूद इसके कि ये 3D है, ये 4S और 4P के बीच में अगर आना है तो इसे मैं फोर्थ कॉलम में ही रखूंगा और ये दोनों S और P के बीच में आएगा, यहाँ आ गया। तो अब देख लीजिए मैं एग्जैक्टली इसी तरतीब को फॉलो कर रहा हूँ। तो अब 4P के बाद किसकी बारी है, 4P के बाद बारी है 5S की। 5S S के कॉलम में आ गया, 4S के नीचे। 5S के बाद किसकी बारी है, अब देखते जाइए, 5S के बाद बारी है 4D की। 4D किसके नीचे आना चाहिए, जाहिर सी बात है 3D के नीचे आना चाहिए। और अब 4D के बाद किसकी बारी है, 5P की। 5P किसके नीचे आना चाहिए, 4P के नीचे आना चाहिए। अब खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 6S। 6S कहाँ आएगा, 5S के नीचे। अब 6S के बाद गौर से देखिए किसकी बारी आ गई है, 4F की। 4F के बाद 5D है, तो 5D तो सिंपली 4D के नीचे आ गया, लेकिन 4F कहाँ जाएगा, 6S और 5D के बीच में, यानी के यहाँ। तो यहाँ 4F का कॉलम बन गया। अब 5P के नीचे किसे आना चाहिए, 6P को। आप चेक कर सकते हैं 5D के बाद 6P की ही बारी थी। अब आखिरी लाइन अगर आप ना भी देखें तो कॉमन सेंस से आप खुद लिख सकते हैं, आपको खुद एहसास हो रहा है कि अब 6S के नीचे 7S होना चाहिए, 4F के नीचे 5F होना चाहिए, 5D के नीचे 6D होना चाहिए और 7P के नीचे 6P के नीचे 7P होना चाहिए। ये अगर आप देखें तो वही ऑर्डर जो अफबाउ प्रिंसिपल में रेड कलर से क्रॉस में लिखा गया था, उसी को मैं रेड कलर से यहाँ शो कर दूँ तो वो अब स्ट्रेट हो गया। आप अच्छी तरह क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं कि जिस तरतीब से अब मैंने इसे स्ट्रेट करके लिखा है, अफबाउ प्रिंसिपल में यही तरतीब क्रॉस में लिखी हुई है। इसका मतलब है मैंने क्रॉस से स्ट्रेट कर दिया, बस बनना ये है वही अफबाउ प्रिंसिपल ही का ऑर्डर। और अब मेरा क्या कहना है, अब मेरा ये कहना है कि ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रेट लाइन में पूरा ऑर्डर बनाया है, यही पीरियोडिक टेबल की समरी है। ये है पीरियोडिक टेबल का नक्शा जो अब आपके सामने बन गया है। दिस इज शॉर्ट मैप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी भी जिन बच्चों ने अगर घर जाके पीरियोडिक टेबल देखा होगा, दे शुड हैव रिजर्वेशन कि सर ये तो नहीं, ऐसी तो शक्ल नहीं होती पीरियोडिक टेबल की। तो फिर मैं अपनी वो बात याद दिलाऊंगा जिसमें मैंने आपसे कहा कि जस्ट इमेजिन कि ये जो SPDF आपके सामने बने हुए हैं, ये दरअसल उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इन सब शेल्स पर खत्म होते हैं। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि ये जो आपने S का कॉलम बनाया हुआ है, दिस वन, इफ आई हाईलाइट दिस पोर्शन, ये 1S से लेकर 7S तक ये जो हिस्सा बनाया हुआ है, ये दरअसल उन एलिमेंट्स का है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन या तो S1 पर ख़त्म हो रही है या S2 पर ख़त्म हो रही है।
सो ये बेसिकली ऐसे बनाने चाहिए। ये अब देखिए, मैं इसे प्रॉपर बॉक्सेस में शो कर दूं ताकि टेबल का गुमान हो। ये दरअसल इस तरह यानी ये वाला कॉलम S1 का है और ये वाला कॉलम S2 का है। तो पहले कॉलम में वो एलिमेंट है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पे खत्म हो रही है और दूसरे कॉलम में वो है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S2 पर खत्म हो रही है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला 1S है, ये वाला 2S, 3S, 4S, 5S, 6S और 7S। तो अब आप यूं समझ लीजिए कि पहले कॉलम में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1 है, और दूसरे कॉलम में वो आएंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, इस तरह है। ये इनकी जगह बन गई। अच्छा, अब आप देखिए ये हिस्सा जो 4f और 5f वाला है, आपको भी याद है मुझे भी याद है, f में कितने एलिमेंट होते हैं, 14। ये एफ वाला हिस्सा कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, 6s और 7s से। तो इस जगह पर अगर मैं आपकी इजाजत से ऐसे इनकी जगह बना दूं, तो ये 14 14 एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स हैं। छोटे छोटे करके बना दिए मैंने, ये F1 से लेकर F14 तक। F1, F2, F3, F4, ये सारे ये होंगे 4F और ये होंगे 5F। ये 4F और ये 5F, वही ऊपर वाली चीज नीचे आ गई। तो ये पूरे 14 एलिमेंट्स का ग्रुप। अब अगर मैं इस पोर्शन को बनाऊं, अब आप खुद भी मेरे ख्याल में ये समझ रहे होंगे कि ये जो S के दो कॉलम हैं, ये S ब्लॉक हो गए, ये जो F के 4F 5F वाला हिस्सा आया ये F ब्लॉक हो गया, और अब ये जो मैं D वाला हिस्सा लाऊंगा ये D ब्लॉक होगा। इसमें कितने कॉलम मुझे बनाने चाहिए, 10। तो आई कैन राइट इट इन दिस वे, तो ये D1 से लेके D10 तक फर्स्ट रॉ 3D, ये 4D, ये 5D और ये 6D। और अब आखिरी वाला जो आपके सामने है ये P ब्लॉक का हिस्सा है जिसमें 6 कॉलम होने चाहिए, विच रिप्रेजेंट P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो हेयर आया है, सो दिस इज P1 और ये P6। तो ये बन गया 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो डिजाइनिंग मैंने आपके सामने की है, तसल्ली के साथ ये डिजाइनिंग आप भी घर बैठकर करें। सबसे पहले अफबाव प्रिंसिपल का नॉर्मल डायग्राम बनाएं जिसमें क्रॉस लाइनिंग से ऑर्डर देखिए, फिर उस ऑर्डर को कॉपी पेस्ट मत कीजिए मेरी चीजें देखकर, बल्कि खुद मेरी बात सुनते सुनते जैसे मैंने किया ऐसे आराम से बैठ के कीजिए कि जो तरतीब यहाँ है उसी तरतीब से मैं इसे सीधा करके बना दूँ। जैसे ही आप सीधा करके बनाएंगे ये पीरियोडिक टेबल का छोटा नक्शा बन गया जिसे मैंने खुला करके आपके सामने बना दिया। यानी अगर मैं 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है 6 कॉलम्स जिसमें से एक P1 से P6 तक आएंगे। डी वाला लिख रहा हूं तो 10 कॉलम, एफ वाला लिख रहा हूं तो 14 कॉलम और एस वाला लिख रहा हूं तो 2 कॉलम। इस तरह ये पूरे टेबल की शक्ल बनती है। अब आप अपने जहन पे जोर डालें कि जो टेबल हमने अक्सर किताबों में बना हुआ देखा है, जाहिर सी बात है उसमें खाली डब्बे और SPF तो नहीं लिखा होता था, उसमें एलिमेंट्स के सिंबल्स होते थे। उसे फिलहाल अपने जहन से हटा दीजिए तो जो आउटर शक्ल है वो बिल्कुल इस तरह होती है। हाँ, जैसा कि मैंने शुरू से कहा पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ डिजाइन अवेलेबल हैं।
उन डिजाइन में से जो आपने पढ़ना है वो लॉन्ग फॉर्म है जो एग्जैक्टली इसी तरह है, इसी से मिलता जुलता एक और डिजाइन है। ये वो डिजाइन है जिसमें सिर्फ इस वजह से, जैसे मैंने अभी आप देखे मेरी स्क्रीन पे जितनी मैंने छोटा छोटा करके इसे एडजस्ट किया है, अमूमन ये फुल स्केप पेज पे बनता है क्योंकि ये लंबाई में लंबा है। तो किताब वाले भी ऐसा ही करते हैं कि जब उनकी बुक में जगह ना हो तो वो क्या करते हैं, ये जो 4F और 5F वाले टुकड़े हैं, ये वाला हिस्सा अमूमन ये अलग करके साइड पे बना देते हैं ताकि टेबल जरा छोटा, लंबाई में छोटा हो जाए। तो वो टेबल भी आपकी किताबों में बना हुआ होता है मगर वो स्टैंडर्ड शक्ल नहीं है, वो हमने एक तरह से शॉर्ट फॉर्म बना दी अपनी बात को, जगह को बचाने के लिए। तो जो इस वक्त बना हुआ है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यही हमारा लॉन्ग फॉर्म है, और आपको भी अपनी बुक में हर जगह पर, एक आधी जगह पे शॉर्ट भी बना दिया था उन्होंने, लेकिन हर जगह पर यही बना हुआ मिलेगा और यही हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो एक दो छोड़िए, तो मैंने आपको बता दिया 20-25 शक्लें हैं, तो हम हर एक के से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसे स्टैंडर्ड बनाएंगे अपने नॉलेज के लिए, हम और भी शक्लें देख लें पढ़ें वो और बात है, लेकिन हमारा सिलेबस इस पर्टिकुलर शक्ल पे है। तो यहाँ मैंने इसे बनाया है, मुझे इसे बार बार बनाना पड़ेगा, अब क्या आपको भी बनाना पड़ेगा? तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप में से कोई ये समझे कि इम्तिहान में हमसे कहा जाए कि आइए पीरियोडिक टेबल बना के दिखाइए इसी लॉजिक से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ हमें ऐसे कुछ, हालांकि ये लॉजिकल है लेकिन ये ड्रॉ करने के लिए हमसे नहीं पूछेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन पूछेंगे जो हम अभी लिखेंगे और हमें पता चल जाएगी। अलबत्ता इसके बावजूद आपको इस लॉजिक से इसे बनाना इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसकी मदद से हम वो ट्रिकी क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है ना? ओके, अब चूंकि मुझे आपके इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से बहुत जरूरी काम है, इनके बारे में बहुत ज्यादा बातें करनी है, तो मैं इसे रीड्रॉ जरा और बड़ा करके कर रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पर, और ताकि अपनी बात को और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकूं। लेट अस सी, तो अब वो शक्ल आपके जहन में हो, ये है पहला हिस्सा जिसको मैंने एस ब्लॉक कहा, वन एस, टू एस, थ्री एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, सेवन एस। इस कॉलम में एस वन वाले आ गए, इस कॉलम टू वाले। पर ये F1 से F14, इसका मतलब है ये 14 कॉलम बनाए गए हैं। ठीक है ना? और 4F ऊपर है, 5F नीचे। इसके बाद ये डी ब्लॉक वालों का हिस्सा, डी वन से डी टेन, ये हो गया 3D, 4D, 5D, 6D, और लास्ट इज दी पी ब्लॉक पार्ट, P1, 2P6, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7। ठीक है ना? अच्छा भाई, अब इसमें लॉजिकली कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने इन्हें ऑर्डर कर दिया, और ये इस वक्त जिस ऑर्डर के तहत है, कोई बच्चा ये कहे फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट कॉलम रॉ में सिर्फ 1S है,
सेकेंड रॉ में 2s और 2p है, थर्ड रॉ में 3s और 3p है, फोर्थ रॉ में 4s 3d 4p है, ऐसा क्यों है? तो हम ये ऑलरेडी आपके सामने बता चुके, दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, कि फर्स्ट में 1s, सेकेंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p, फोर्थ में 4s 3d 4p, तो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू दी अफबाउ प्रिंसिपल, इसीलिए कहा गया, जो अफबाउ प्रिंसिपल की बेस पर टेबल बनाया गया उसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वेयर आर दी एलिमेंट्स? तो खाली टेबल बना दिया ना, एलिमेंट कहाँ है? एलिमेंट्स के तो नाम नहीं आते ना आपको, लेकिन आपको हमने कब कहा एलिमेंट्स के नाम याद करें? आपको कहा नाम हम बता देंगे, बाकी बातें आप बता देंगे। कैसे बता देंगे? तो सबसे पहले एलिमेंट की पोजीशन, हमने कहा सिर्फ एक चीज चाहिए हमें और वो है एटॉमिक नंबर। आप हमें एटॉमिक नंबर बता दें किसी भी एलिमेंट का, फिलहाल तो हम आपको ये बताएंगे कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, बाद में थोड़े ही लेक्चर्स के बाद हम आपको उसकी केमिस्ट्री भी बता देंगे। यही कहा था ना आपसे, नाम की जरूरत नहीं है, आप बगैर नाम जाने एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर देंगे, वो मंजिल करीब आ गई है। तो अभी फिलहाल उसका पहला मरहला, नाम बता दूं अगर एटॉमिक नंबर के साथ, तो आप मुझे बताएंगे एलिमेंट कहाँ है। कैल्शियम धातुओं को मजबूत बनाता है, जैसे सुना ना आपने, इसका एटॉमिक नंबर है 20। किसी ने कहा बताइए कहाँ है इस टेबल में, आपने कहा कोई चिंता नहीं है, सिर्फ इसकी कॉन्फिगरेशन लिखिए, 1s 2s 2 2p 6, 3s 2 3p 6, 4s 2, गिन लीजिए ये पूरे 20 हो गए। पूरी कॉन्फिगरेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, जहां कॉन्फिगरेशन खत्म होती है, लास्ट सबशेल क्या है, 4s 2। कहां ढूंढेंगे आप इसे? इस पूरे टेबल के चार ब्लॉक हैं, ये किस ब्लॉक में होगा? एस, ये रहा आपके लेफ्ट साइड पर एस कॉलम, एस के कॉलम में ये कहाँ है? एस टू में, एस टू ये वाली लाइन है, और किस में? फोर में, ये रहा 4s। तो कैल्शियम हमारे हिसाब से इधर है, ये है कैल्शियम 4s2 में। इसी तरह आप कहें आयरन की कमी बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती, ठीक है ना, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर है 26, कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हो गया पूरे 26, इस पे खत्म हो रहा है 3d6 पर। 3d ढूंढ के लाइए, ये रहा 3d आपके सामने, ये माशाल्लाह d के कॉलम में पहली लाइन, 6 ढूंढना है तो हिसाब लगा लीजिए, पहली लाइन ये D1 D2 D3 D4 D5, ये है D6, ये मैंने ढूंढ लिया D6, आयरन इधर होगा, छठी नंबर पर आयरन मौजूद होगा, अगर मैंने सही लगाया 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही, D6 हो गया। इसका मतलब है अब आप कॉन्फ़िगरेशन ले कर उसकी के वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रही, किसी भी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ गिनती गिनिए, तो अब मैं कम से कम गिनती तो लिख सकता हूँ सबका एटॉमिक नंबर, तो लेट अस सी, ये मैं राइट से कर रहा हूँ, ज्यादा नजर आ, ये है सबसे पहला एलिमेंट जो 1s पे है, फिर ये दूसरा 2, 1 एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन इधर 1 पे, 2 एटॉमिक नंबर वाला हीलियम 2 पर, पहली लाइन में और कोई भी नहीं, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आ गया 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, यहाँ आ गया 19, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, यहाँ आया 39, ये 10 होंगे पूरे, तो यहाँ तक 48, यहाँ से 49, ये 54 पे खत्म हुआ, 55, 56, ये 57,
यहाँ पे 70, ये 71 से लेकर 80, 81 से 86, मैं जो जगह बीच में छोड़ रहा हूँ पूरे हिसाब किताब से, आप चाहें तो पूरी गिनती भी लिख के कंफर्म कर सकते हैं। 87, 88, 89, यहाँ आकर 102, ये 103 से 112 और ये 113 से 118, पूरा टेबल नंबर के हिसाब से। क्यों? अब देखिए मैंने नाम, जैसे बात है नाम एक ऐसी चीज है जो रटना पड़ेगा, जिनके याद हो अच्छी बात है, जिनके याद ना हो कोई बात नहीं। एलिमेंट किससे आइडेंटिफाई होगा? अपने नंबर से, और उस नंबर की मदद से खुद आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर पता हो आप नंबर से खुद कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब आप किसी भी नंबर को रैंडमली पिक करके अपनी टेबल की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि अभी अगर फर्ज कर लीजिए मैं ये नंबर उठाऊँ 35 जो यहाँ लिखा हुआ मैंने हाईलाइट, तो मेरे हिसाब से ये 35 जो है ये 4P में है और P6 से पहला यानी ये P5, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 4P5। चेक कर लेते हैं, 35 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, ये बनता है 35, बिल्कुल उसी जगह पर। तो ये सारे एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्रॉस कंफर्म कर लीजिए। कहीं ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला पहले और कम एटॉमिक नंबर वाला बाद में, कंसेक्यूटिव गिनती है 1 से लेके 118 तक। अच्छा, अब ये बात मैं आपको बता दूं, हमारी किताब चूंकि बहुत पुरानी छपी हुई है तो हमारी किताब में जगह तो पूरी 118 तक की बनी हुई है, लेकिन जिस वक्त ये पहली दफा पब्लिश हुई थी उस वक्त एलिमेंट्स की तादाद चूंकि कम थी तो ये तकरीबन 105 यहाँ तक आए हुए हैं। इसके बाद किताब ने जगह छोड़ी, ये एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, अब हो गए हैं। तो अब हमारी मर्जी होती है कि हम इनको भी, इनका भी तस्करा कर दें या ना करें। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वो एलिमेंट है जिनको आप कहते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट जो इंसानों ने खुद बनाए, और इनकी केमिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी होती। इसलिए हम इनकी तादाद 118 लिखकर अपनी मालूमात का रोब झाड़ें या किताब के मुताबिक 105 लिखकर सबर करें, इन इधर केस हमारी केमिस्ट्री पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमें जिन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पर असल में तवज्जो देनी है वह नेचुरल एलिमेंट जो 92 तक है। तो ये जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जो असल में 118 तक हो गए हैं और किताब जिस जमाने में छपी हुई जमाने में 105 थे, इनसे हमें कोई दिलचस्पी नहीं। जब कोई दिलचस्पी नहीं तो हमारी मर्जी चलती है, हम चाहें तो अपडेट इंफॉर्मेशन दे दें, हम चाहें तो ना दें, दोनों सही मानी जाएंगी। ये किसी के दिल में ना ख्याल आए कि अगर हमने 118 एलिमेंट्स के बारे में लिख दिया तो क्या पता चेक करने वाले को ना मालूम हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें से हर एक को ये बात पता होती है। ऐसा ना सोचिएगा कि मैंने कोई ऐसी बात बता दी जो बड़ी खुफिया थी, जो मुझे ही पता थी और आपको पता चल गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड नॉर्मल नॉलेज। अहम बात यह है कि अगर इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़नी होती तो हमें ज़रा परवाह होती, ये तो हमें देखने भी नहीं है, हमें तो सिर्फ 92 तक का कंसर्न है। ओके, ये बन गया टेबल, अब हमें इसके बारे में लिखना है। ये ना समझिएगा कि मैंने अपने तौर पर एक डिज़ाइन बना बना कर यहाँ तक पहुँचा के सब लिख दिया तो ये हमें याद हो गया। नो नो, लॉजिक समझाई है और अब जब इस लॉजिक को इस्तेमाल करके मैं इसे बार बार इस्तेमाल करूंगा तो ये और मजबूत होती जाएगी, क्योंकि याद रहे यही हमारे इनऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस है। ये आज पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी ये टॉपिक आज शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो पूरे 5 चैप्टर्स की इस वक्त मैंने प्लानिंग बना दी है। मेरे चैप्टर 3 का नाम है एस ब्लॉक, जिसमें मैं ये पहले 2 कॉलम्स को तफसील से पढ़ूंगा। दिस इज माई चैप्टर 3। मेरे चैप्टर 4 का नाम है पी ब्लॉक, जिसमें मैं ये आखिरी 4-6 कॉलम्स को तफसील से पढ़ूंगा। ये है पी ब्लॉक, और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ पर डी वाले हैं एलिमेंट्स, ये है डी ब्लॉक और ये है मेरा चैप्टर 5। इसी चैप्टर 5 में हम बहुत ही थोड़ा सा एफ ब्लॉक का भी तस्करा कर देंगे, वरना ये जो एफ ब्लॉक वाला पार्ट है इसकी तफसीलात या ये एज ए टॉपिक हमें नहीं पढ़ना। ये थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा रेयर एलिमेंट है और एडवांस केमिस्ट्री है, तो
इनके बारे में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी जाती है जो हम डी ब्लॉक के साथ पढ़ लेंगे, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है हमें पूरे पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक की डिटेल्स नहीं पढ़नी होंगी, बाकी सबकी डिटेल्स भी पढ़नी होंगी। तो ये हिसाब किताब हमारा बन गया। अब हम आते हैं इस बात की तरफ के लिखेंगे कैसे। अब इसे लिखने के लिए अगर आप इसकी इसके शॉर्ट चार्ट को याद कर लें तो उसमें इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन की दास्तान छुपी है। शॉर्ट चार्ट कौन सा वाला था? वो ये वाला था। ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ था और अब मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, ये पीरियोडिक टेबल का समझे नक्शा है और ये अफबाउ प्रिंसिपल को सीधा करके बनाया गया है, तो कोई मुश्किल बात भी नहीं है। तो अब अगर ये आप बना लें तो आपको पीरियोडिक टेबल तो आ ही गया, आप उसके बारे में जो लिखना है ना वो रट्टा भी आपका पूरा हो गया, रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं, आइए इन बातों की तफसीलात में। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अफबाउ प्रिंसिपल को स्ट्रेट करके लिखने का जो काम मैंने आपके सामने किया था, एक आधी दफा आप भी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और अगर ये याद हो गया तो हमारा मसला हल हो गया। ये है पीरियोडिक टेबल की समरी जो मैंने अफबाउ प्रिंसिपल की मदद से थोड़ी देर पहले ही आपके सामने बनाई है। ये मैंने फिर से लिखी और अब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एक बच्चे को ये याद हो तो वो इसकी मदद से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसे बगैर रट्टा मारे कैसे कर सकता है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अली, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर ये जो आपने टेबल बनाया इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर सम इसका इसका जो आपने टेबल बनाया इसका कॉन्सेप्ट एक और बार समझा देंगे प्लीज। ये जो आपने 3D को 3D की लाइन में नहीं रखा इसमें पूरी कंफ्यूजन हो रही है, टेबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार रिवाइज करा दो। क्या चीज में कंफ्यूजन हो रही है? सर ये जो आपने 3D को आपने थर्ड की रॉ में नहीं रखा है इसमें जरा कंफ्यूजन हो रही है, और एफ आपने अपने कॉलम समझ नहीं आ रहे हैं जब किस तरह बनाया। एक्चुअली नेट बंद हो गया तो उसको मैं अटेंशन नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अच्छा एक और बच्चे ने भी हाथ खड़ा किया, पहले इनकी भी सुन लेते हैं। एमन क्या पूछना चाह रही हैं? अनम्यूट कर दिया बेटा। जी बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी जो अभी आपने टेबल हमें वापस बनवाया है जो पीरियोडिक टेबल को एग्जैक्ट मतलब बता रहा है कि कैसे वो प्लॉट होंगे, तो सर अगर हम लोग एग्जैक्ट ये वाला टेबल याद कर लें, क्योंकि वो कभी प्लॉट करते हुए कंफ्यूजन हो जाती है कि एरो स्ट्रेट 2 ले रहा है या 3 ले रहा है, तो अगर हम लोग ये एग्जैक्ट ये वाला टेबल याद कर लें 3D 4D और 5D 6D जो आपने प्लॉट किए हुए वो सामने बना हुआ है। जी सर। ओके ठीक है। पहली बात तो ये समझ लें याद तो हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। ये है लॉजिक, जिस लॉजिक से हम पीरियोडिक टेबल को समझा रहे हैं, ना हमें और ना ही हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो एक बात मैंने कही भी थी लेकिन जाहिर सी बात है हम माशाल्लाह जिस कराची बोर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें यकीन नहीं आता पढ़े और वो याद ना करनी पड़े, तो ये सहूलत कहाँ होती है हमारे पास। तो मैं फिर वाक्यकल्प कह दूं, नामुमकिन है। तीन दफा कह दिया कि इम्तिहान वाले आपसे कि ये ड्रॉ कर दो, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ये कोई ड्रॉ करना है, चूंकि हमें इस पर्टिकुलर टेबल के मैंने इसे मेंशन किया के ही डिटेल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, और एफ ब्लॉक सिर्फ इस वजह से एक चैप्टर बढ़ जाता है इसलिए आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है, अदरवाइज इसके चारों हिस्सों में से जो बाकी के तीन हिस्से उन चैप्टर पढ़ेंगे हम। इसका मतलब है ये जो पहली दो लाइनें हैं जिनको मैंने एस ब्लॉक कहा है, एक पूरा चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर से डबल है वो पढ़ेंगे, तो उसमें सारी केमिस्ट्री तो उसमें आएगी ना इसकी। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आज ही सारा समझ लेंगे तो मियाँ आज ही इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, फिर तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी तो सिर्फ हमने आपको अपनी प्लान से आगाह किया है कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ये हमने ऑर्डर बनाया,
अब हम इसे तफसीलन अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले दो कॉलम्स एस ब्लॉक, आखिरी छह कॉलम पी ब्लॉक, बीच में जो 10 कॉलम डी ब्लॉक, इन सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो ये ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ इसकी लॉजिक को समझना है, ताकि अब जब मैं इनका हवाला दूं तो हमारे दिमाग में, बैक माइंड में ये तस्वीर आ जाए। पहली बात, हाँ, जो मुझे अभी मैंने आपसे कहा कि रट्टा लगाना है, वो हमें एक इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, उस डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए मुझे ये चीज याद होनी चाहिए। अगर और ये याद क्यों होनी चाहिए भाई, ये अफबाउ प्रिंसिपल जो टेढ़ा करके आप बनाते थे, उसी को मैंने सीधा करके, तो अगर ये आपके जहन में हो, दैट्स इनफ। ये भी कोई इम्तिहान में आपसे बनाने को नहीं कहेगा, ये आपको चोरी चोरी अगर आता होगा तो इसकी मदद से आप जो मेरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ 2.5-3 सफे का, वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसकी मदद से आप खुद लिखेंगे, और ये ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा। एक बात, अब जो पहले सवाल मोहम्मद अली साहब ने किया था उसको भी मैं गुजार कर दूं, कि मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि जो तरतीब है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मैंने उसे फॉलो किया है। ये कोई रूल नहीं बनाया मैंने कि 3 को 3 के साथ ही रखना है या 4 को 4 के साथ, नो, बल्कि मैंने ये रूल बनाया है कि तमाम एस एक कॉलम में होंगे, तमाम पी एक कॉलम में होंगे, तमाम डी एक कॉलम में होंगे, तमाम एफ एक कॉलम, और किस सब शेल को पहले लिखेंगे किसको बाद में, ये अफबाउ प्रिंसिपल से तय होगा। तो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इसलिए पहली लाइन में सिर्फ 1s है, उसके बाद 2s और 2p, ये वही कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑर्डर है ना जो आपके जहन में होगा, इतनी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, 1s, 2s, 2p। अब तीसरी लाइन में आया 3s, 3p, यही ऑर्डर है, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में, फिर जाता है 3d में, फिर जाता है 4p। तो अब चूंकि 3d 4s के बाद भरा जाता है तो उसी के साथ लिखूंगा, अब वो लाइन चाहे चौथी बने या पांचवी बने उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे हर सब शेल को उसी ऑर्डर में रखना है जिस ऑर्डर में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भरा जाता है, ठीक है। इसी तरह ये पांचवी लाइन है, ये छठी लाइन है, ये सातवी लाइन है, ठीक हो गई बात। तो ये इस तरह से सातों लाइन्स के साथ हमारा पीरियोडिक टेबल चल रहा है, ठीक हो गई बात। तो ये हो गया अब शॉर्ट या समरी पीरियोडिक टेबल। ये जो हमने आपके सामने लिखा, मैंने आपसे कहा था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि उसने ये लॉजिक बनाई थी कि पीरियोडिक टेबल में जो टॉप से बॉटम जाते हुए वर्टिकल कॉलम्स आएंगे वो वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं वो हैं पीरियड्स। तो जब हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब करते हैं तो हम असल में उसके पीरियड्स और ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, ओके। तो अब इस वक्त जो आपके सामने बना हुआ है हिस्सा, उसको अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट लाइन यानी कि ये होगी पीरियड 1, क्योंकि मैंने आपसे कहा हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए ये पीरियड है, तो 1s ये है पीरियड 1। 2s और 2p वाली लाइन कहलाएगी पीरियड 2 या सेकेंड पीरियड, 3s और 3p वाली लाइन कहलाएगी पीरियड 3 या थर्ड पीरियड, 4s, 3d, 4p ये कहलाएगी फोर्थ पीरियड या पीरियड 4, 5s, 4d, 5p कहलाएगी पीरियड 5, 6s, 4f, 5d, 6p ये वाली लाइन कहलाएगी पीरियड 6, और पीरियड 7 इज द लास्ट लाइन जिसमें 7s, 5f, 6d और 7p है। ये उस ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, इसलिए आपको क्या एहसास हो रहा है कि s और p तो अपने पीरियड के नंबर को फॉलो कर रहे हैं, 2s सेकेंड पीरियड में है, 3s थर्ड पीरियड में है, 4s फोर्थ पीरियड में, 5s 5 पीरियड में, इसी तरह p भी बड़ी शराफत से अपने पीरियड को मान रहा है, 2p सेकेंड पीरियड, 3p थर्ड पीरियड, 4p फोर्थ, लेकिन ये जो d और f है ये अपने पीरियड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डी 3d है लेकिन है कौन से पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, 4d है कौन से पीरियड में, है फिफ्थ पीरियड में, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जिस तरतीब से अपने आप को फिल करेगा हम उसे उसी तरह रखेंगे चाहे उसका पीरियड कुछ भी बन रहा हो, ये हो गई बात। अब मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट टाइम, सिर्फ ये लिखा था डिस्क्रिप्शन में कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल इज अ टेबल बेस्ड ऑन अफबाउ प्रिंसिपल। अब मैंने बताया उसके दो हिस्से हैं पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल रॉस, जो मैंने इस वक्त पॉइंट आउट भी कर दी,
और ग्रुप्स कहलाते हैं वर्टिकल पीरियड्स। यानी अगर मैं उस टेबल पे आ जाऊं जो तफसीलात के साथ बनाया गया था, ये तो इसके हिसाब से ये फर्स्ट पीरियड हो गया, पीरियड वन, ये पीरियड टू, ये पीरियड थ्री, ये पीरियड फोर, ये पीरियड फाइव, ये पीरियड सिक्स और ये पीरियड सेवन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये पीरियड्स हैं। जबकि अगर मैं ऐसे आऊंगा वर्टिकल कॉलम्स, वो तो हैं भी बहुत सारे, ये सारे कहलाएंगे ग्रुप्स। ये सारे वर्टिकल कॉलम एस में दो हैं, एफ में 14 हैं, डी में 10 हैं, पी में 6 हैं, ये सारे कहलाएंगे ग्रुप्स। जब आप पीरियोडिक टेबल की डिस्क्रिप्शन देते हैं तो आप ग्रुप्स और पीरियड दोनों के बारे में बताते हैं, लेकिन एक ही सवाल में पूरी बिरयानी नहीं बना देंगे हम। जब सवाल होगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें सिर्फ पीरियड्स की डिटेल बताई जाती है, ग्रुप्स की डिटेल का क्वेश्चन अलग होगा, बाद में देखिए। तो इसका मतलब है जब आपसे कहा डिस्क्राइब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्चुअली दे रिक्वायर्ड द डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सेवन पीरियड्स। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं इन सातों पीरियड्स की डिटेल को अभी आपको ट्रिक के जरिए बता दूंगा, उसके बाद फिर लिखना हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा। तो सामने मेंशन हो गया, आप सबसे पहला सवाल हमें बताना होगा हर पीरियड पे कितने एलिमेंट है। रट्टे मार ले, रट्टे मारने की जरूरत है, अगर ये आपके सामने है तो एक मिनट में हिसाब लगा लेंगे। बताइए फर्स्ट पीरियड में कौन है, सिर्फ 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो 1s में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वही उसके एलिमेंट्स की तादाद होगी। इसका मतलब है फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स आएंगे, एक जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी, एक जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स आते हैं, ये आपको 1s देखकर पता चल गया। तो ऐसे ही सोचिए सेकंड पीरियड में 2s है और 2p है, 2s में दो एलिमेंट होंगे और 2p में 6, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे। अब थर्ड पीरियड देखिए, उसमें 3s और 3p है, S और P मिलाकर टोटल कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स। और फिर फोर्थ पीरियड में है 4S, 3D, 4P। 4S, 3D, 4P का क्या मतलब हुआ, 4S में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 3D में कितने एलिमेंट्स हैं, 10, 4P में कितने होंगे, 6, टोटल मिला के बताइए कितने हो गए, 18। तो इसका मतलब है, याद कर लेते हैं, आपका रट्टा बड़ा अच्छा है तो आप मर्जी है भाई आपकी, मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ जिसमें रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिफ्थ पीरियड की भी हिसाब किताब बिल्कुल वही है, उसमें भी एस डी और पी है, तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ भी 18 बनेंगे, तो वैसे भी याद हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पहला दो है, फिर उसके बाद दो 8, 8, फिर दो 18, 18, और अब ये सबसे बड़ा पीरियड जिसमें एस भी है, एफ भी है, डी भी है, पी भी है। S में 2, F में 14, D में 10 और P में 6, ये टोटल बनते हैं 32। और फिर अगर आप नोटिस करें तो अगला वाला उसी का रिपीटिशन है, तो उसमें भी 32 ही बनेंगे। यहाँ अब हम वो बात करेंगे कि वी फॉलो द बुक, चूंकि हमें पता है 32 अब बन गए हैं जब ये पूरा पीरियड भर गया है आज। लेकिन किताब जिस जमाने में छपी हुई थी उस जमाने में, मैंने अभी आपको बताया, लास्ट पीरियड अभी पूरा फिल अप नहीं हुआ है, इसलिए हम इसकी तादाद मेंशन करने के बजाय इसको कह देते हैं कि ये एक अदद इनकम्प्लीट पीरियड है, इसको कह देते हैं इनकम्प्लीट। ठीक हो गई बात, चूंकि ये नहीं भरा, हालांकि अब भर गया है, मैंने वही बात आपसे कही, आप बुक की इंफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे और इसे कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट पीरियड है। अच्छा, अब इसे इनकम्प्लीट इसलिए कहा गया क्योंकि ये उस वक्त इनकम्प्लीट था, तो हमने इसी बात से मुतासिर होकर फैसला किया कि बाकी तमाम 6 पीरियड्स के भी नाम रख दो और ये नाम उनके एलिमेंट्स की तादाद को देख के रखो। जो इनकम्प्लीट था उसे आपने इनकम्प्लीट कहा है, तो अब जिसमें सबसे कम एलिमेंट होंगे यानी फर्स्ट वाला, उसे मैं कहूँगा शॉर्टेस्ट पीरियड। तो ये मेरा बन गया शॉर्टेस्ट पीरियड, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 8 होगी वो। अच्छा, अब ये शॉर्टेस्ट है तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, जो 32 एलिमेंट्स वाला है, तो 6th पीरियड को कह देते हैं लॉन्गेस्ट। अब ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, कोई शॉर्ट होता है तो उससे शॉर्टेस्ट बनता है, कोई लॉन्ग होता है तो उससे लॉन्गेस्ट बनता है। तो इस बेस पर हमने ये जो दो 8 मिनट्स वाले पीरियड हैं ये कहलाएंगे शॉर्ट पीरियड, और ये जो
18 18 वाले एलिमेंट्स के पीरियड हैं ये कहलाएंगे लॉन्ग पीरियड। इस तरह अब हर पीरियड का कोई नाम भी हो गया, हर पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद भी हो गई, और हर पीरियड में एलिमेंट कौन से सबशेल को भरते हैं ये भी सामने नजर आ रहा है। ये तीन फीचर्स हैं जो हम हर पीरियड की डिटेल में मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। ठीक है, तो अब सारी बात हो गई, अब सिर्फ इसका इस्तेमाल रह गया। तो अभी बेसब्री मत कीजिएगा, जब मैं इस चार्ट को इस्तेमाल करके एक एक बात लिख लूंगा तो हर चीज क्लियर हो जाएगी, और फिर अगर नहीं होगी तो हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन अभी सब्र कीजिएगा, अभी ये टॉपिक बीच में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसे खत्म कर रहे हैं, और ये जो सारा आज नक्शा मैंने बनाया है, जाहिर सी बात है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सब लोगों ने इसे साथ साथ इसी तरह बना लिया होगा, इसलिए ये सेव हुआ और ये मैं आपके साथ आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप इत्मीनान से इसे बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे बिफोर माय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो हम इसे यहाँ पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।